हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियोज में हमने आपको एमएस पावर पॉइंट के टूल्स मेनू का फर्स्ट पार्ट कंटेन करवाया था। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियोज में हम लोग टूल्स मेनू के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड से विंडोज को दबा के आर बटन को प्रेस करो। जैसे ही विंडोज दबा के आर बटन आप प्रेस करते होंगे, स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इस तरह से पावर पीएनटी यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर नहीं लिखा हुआ है तो पावर पीएनटी आप ऐसे क्या करोगे, टाइप कर दोगे। सो स्टूडेंट्स, और ओके वाली बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस ओके वाली बटन पे आप क्लिक करते हो, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, अभी पावर पॉइंट आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी आपको क्या पढ़ना है। आज यहाँ पे आपको पढ़ना है टूल्स मेनू में जाके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में आपको सीखना है कि लैंग्वेज क्या है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे अपने पेज पे आ जाता हूँ, ये मेरा पेज है। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करके स्पेलिंग लिखता हूँ। सबसे पहले कलर की स्पेलिंग देखो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में जो कलर की स्पेलिंग होती है यही होती है ना, और सिंपली हम लोग जो पढ़ते हैं तो वहाँ पे कलर की स्पेलिंग क्या राइट करते हैं, कुछ ऐसे राइट करते हैं ना। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, अभी ऊपर वाली कलर स्पेलिंग जो है कंप्यूटर की कोडिंग के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे हम लोग अपनी बुक्स वगैरह में क्या करते हैं, इस कलर की स्पेलिंग को पढ़ते हैं। सो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये जो कलर लिखा गया है ये यूएस लैंग्वेज में है, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट में है स्टूडेंट्स। और जो है ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लिखा गया है कलर आपका, ये यूएस लैंग्वेज में नहीं है, इसके वजह से स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे रॉन्ग साबित कर रहा है। इसे आप इसे अगर ठीक करना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे टूल्स मेनू के अंतर्गत जाओगे, ठीक है, और कहाँ पे क्लिक कर दोगे, लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे ना स्टूडेंट्स। जैसे ही लैंग्वेज पे क्लिक करोगे आप क्या कर दीजिएगा, उसे सेलेक्ट करके स्टूडेंट ध्यान से देखो, जो पढ़ने वाली जो भाषा होती है उसे क्या बोलते हैं, यूके कहते हैं स्टूडेंट्स। ये ध्यान से देखो, यूके लिखा है, मैं अगर इसे यूके में चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कलर की स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएंगी। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दोनों कलर की स्पेलिंग सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो स्टूडेंट्स, पहले ये जो लिखा गया था ये यूएस में था, मैंने इसे यूके में चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पेलिंग क्या हो गई, सही हो गई हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यहाँ पे टूल्स मेनू का लैंग्वेज ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लैंग्वेज ऑप्शन का प्रयोग हम लोग लैंग्वेज को बदलने के लिए करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन दिया शेयर वर्क स्पेस्ट। स्टूडेंट्स, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को कहीं भी शेयर कर सकते हो। सो ये बाई नेट होगा स्टूडेंट, सो मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। अगली कमांड को देखो, कंपेयर एंड मर्ज, इस पर क्लिक करने स्टूडेंट्स आप अपने दो प्रेजेंटेशन को, यानी दो अलग अलग फाइलों को अपने इस डॉक्यूमेंट पे क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, और दोनों को मिला के एक बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कंपेयर एंड मर्ज का क्या काम होता है। आइए स्टूडेंट्स, अगला कमांड देखो, ऑनलाइन कोलोब्रेशन, ये ऑनलाइन नेट की कमांड है स्टूडेंट्स, इसे आप छोड़ोगे। सो अगला कमांड देखो स्टूडेंट, क्या दिया है, माइक्रो दिया है ना। सो ऑप्शन माइक्रो क्या स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने इस डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करके स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इसको मैंने सेलेक्ट किया और कहाँ चला जाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, टूल्स में जाके माइक्रो में जाके यहाँ पे रिकॉर्ड न्यू माइक्रो के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे माइक्रो का नाम पूछ रहा है, तो माइक्रो का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो। सो मैं यहाँ पे स्टाइल 1 डाल देता हूँ स्टूडेंट्स, और मैंने क्या किया, ओके कर दिया स्टूडेंट्स। जैसे ही ओके पे क्लिक किया, अब ध्यान से देखो, ये रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि जो मैं यहाँ पे करूँगा वो चीज़ बिल्कुल ही रिकॉर्ड होगा। सो स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे इस तरह का एक, इसके बाद मैं थोड़ी साइज इसकी इंक्रीज कर देता हूँ ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी फॉर्मेट आप यूज करना है कर सकते हो,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर दिया मैंने अभी। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, इस तरह का टेक्स्ट यहाँ पे बन चुका है। अब आपको करना क्या स्टूडेंट, ध्यान से देखो, दोबारा से टूल्स में जाना है और इसके बाद माइक्रो पे जाके जो रिकॉर्डिंग आपने चालू किया था यहाँ से, उसको स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखो इस तरह में कन्वर्ट हो गया है। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं कुछ भी यहाँ पे अभी राइट करूँ, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे अब राइट करता हूँ, जैसे इस तरीके से, ये देखिए मैं कुछ राइट कर देता हूँ जैसे, और यहाँ पे इस तरीके से। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि ये मेरा टेक्स्ट जो है कंप्यूटर एजुकेशन लिखा गया है, ये इसी तरह के कलर में हो जाए और इसी तरह के इटैलिक वो शो करे और इतनी ही साइज इसकी हो जाए। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखो, सेलेक्ट तो करोगे ही, आप टूल्स में जाओगे यहाँ से और डायरेक्टली आप कहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे माइक्रो में, और इस माइक्रो के नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है। आप क्या करोगे, स्टाइल वन को सेलेक्ट करोगे और जस्ट यहाँ पे रन पे क्लिक कर दोगे। जैसे इस रन पे आप क्लिक करते होंगे, आप ध्यान से देखो, यह फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाइड हो जाएंगी। सो मैंने रन पे क्लिक किया, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि यह फॉर्मेट इसके ऊपर क्या हुआ है, अप्लाई हो चुका है। और स्टूडेंट्स तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी टूल्स की माइक्रो कमांड, जो मैंने आपको अभी अभी यहाँ से बना यहाँ पे बता दिया है। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अगले ऑप्शन को। अगला ऑप्शन स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, एडिट्स को लीप करोगे स्टूडेंट्स। अगला ऑप्शन दिया है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इससे क्या कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑटो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा आप ऑटोमेटिकली स्पेलिंग्स को क्या कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो ना। सो ध्यान से देखो कैसे कर सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ टूल्स मेनू में और कहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑटो करेक्ट नाम के इस ऑप्शन पे। ध्यान से देखो एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके का ओपन हुआ, इसमें कोई भी स्पेलिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ भी डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे डाला सी से, तो कंप्यूटर देखो ऑलरेडी है यहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे क्यू से स्टार्ट करता हूँ और क्यू का पूरा नाम यहाँ पे क्या डाल दूंगा, क्वालिफिकेशन डाल देता हूँ ना ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ध्यान से देखो कुछ ऐसे, और मैंने क्या किया, ध्यान से देखो क्यू फॉर क्वालिफिकेशन, मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ। रिप्लेस क्या स्टूडेंट, मुझे इस पे क्लिक करना है, ध्यान से देखो ये रिप्लेस ही मांग रहा है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ रिप्लेस पे, और यस पे क्लिक कर देता हूँ और ओके वाली बटन पे क्लिक कर दूंगा। जस्ट ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे क्यू लिख के स्पेस बटन दबाऊंगा ना, तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिटेन आ चुका है। मैं क्यू दबाऊंगा और स्पेस दबाऊंगा, ध्यान से देखो मैं क्यू दबा रहा हूँ और स्पेस बटन को दबा रहा हूँ। ध्यान से देखो इस तरीके से कभी भी आपकी स्पेलिंग सही करना है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके का यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा क्या कर सकते हो, कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।